छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर मन्नत का दौर शुरू हो गया है। इस बार मन्नत मांगने वाले कोई और नहीं छत्तीसगढ़ सरकार के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव हैं। सरगुजा के प्रवास पर पहुंचे सिंहदेव ने सार्वजनिक मंच से इस मन्नत की जानकारी दी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि आमतौर पर वे मन्नता पर भरोसा नहीं करते हैं, वह खुद के लिए कभी मन्नत नहीं मांगते, लेकिन इतने बड़े देवी देवता के सामने उन्होंने मन्नत मांगी है और अगर उनकी मन्नत पूरी होती है तो वह 101 बकरों की बलि देंगे। जिनके सामने मैं ऐसे मानता जल्दी नहीं मानता और खास करके अपने लिए, लेकिन आज 101 बकरे की बात करके गया हूँ तो अगर हो गया पूरा तो 101 बकरा चढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर, स्थानीय समस्याओं के बारे में भी बात आई, कुछ आप लोगों के आवेदन आए हैं, धान दुआई कटाई के बाद मिठाई करके आप लोग धान ले जा रहे हैं, कहीं कहीं बोरों की अगर कमी होगी उसके लिए शासन ध्यान दे रहा है। कोरोना के समय में आपको बता दें कि सिंहदेव के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर उन्होंने खुद के लिए कौन सी मन्नत मांगी है और यह मन्नत इतनी महत्वपूर्ण है कि 101 बकरे की बलि दी जाएगी। न्यूज़ डेस्क।